नमस्कार, मैं प्रज्ञा धर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा शुक्रवार को स्पेशल फ्लाइट से बोधगया पहुंचे हैं। सड़क मार्ग से गुजरते समय बड़ी संख्या में लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। बोधगया के तिब्बती मंदिर में दलाई लामा करीब एक माह का प्रवास करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। धर्मगुरु दलाई लामा के बोधगया आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। गया एयरपोर्ट से लेकर बोधगया तक चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी। एक्टर श्रेयस तलपड़े को हार्ट अटैक आया है। वे हिंदी के साथ साथ मराठी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। 47 साल के श्रेयस को बीते शाम मुंबई में अंधेरी के बेलव्यू अस्पताल में भर्ती कराया गया। हार्ट अटैक के बाद श्रेयस की एंजियोप्लास्टी में भी की गई। डॉक्टर ने श्रेयस के अस्पताल में होने और एंजियोप्लास्टी होने की बात की पुष्टि की है। बता दें कि श्रेयस तलपड़े आज अपनी नई फिल्म वेलकम टू द जंगल फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। बिहार शिक्षक फेज दो भर्ती की परीक्षा में सम्मिलित हुए उम्मीदवारों के लिए अपडेट। बिहार लोक सेवा आयोग ने राज्य में शिक्षक भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण के लिए आयोजित की जा रही चयन प्रक्रिया के अंतर्गत आयोजित लिखित परीक्षा के आंसर की और क्वेश्चन पेपर बुकलेट जारी कर दिए हैं। बीपीएससी ने TRE 2.0 आंसर की 2023 को बृहस्पतिवार 14 दिसंबर को जारी किया। इसके साथ ही आयोग ने उत्तर कुंजियों को डाउनलोड करने के लिए लिंक को भी एक्टिव कर दिया है। देश की तेल कंपनियों ने 15 दिसंबर 2023 को पेट्रोल डीजल के लेटेस्ट रेट अपडेट कर दिए हैं। यह रेट वैश्विक बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों के आधार पर तय किया जाता है। आपको बता दें कि कल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिली थी। पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैल्यू एडेड टैक्स की वजह से कई शहरों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव देखने को मिलता है। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल पर GST नहीं लगता है, इसलिए इस पर वैट लगाया जाता है। ज्ञान भवन के आयोजित 2 दिवसीय बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 का गुरुवार को समापन हो गया। 2 दिनों तक चले इस ऐतिहासिक आयोजन में कुल 300 कंपनियों ने 50,530 करोड़ रुपए के निवेश के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अडानी एंटरप्राइजेस के डायरेक्टर प्रणव अडानी ने बिहार में 8,700 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। इससे करीब 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। सम्मेलन के दूसरे दिन गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्योग विभाग के कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण किया। इंटेलिजेंस ब्यूरो में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अलर्ट। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव परीक्षा 2023 के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस परीक्षा के माध्यम से 995 पदों पर भर्ती की जानी है। यह आवेदन प्रक्रिया आज यानी शुक्रवार 15 दिसंबर 2023 को रात 11:59 समाप्त हो जा रही है। ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार MHA.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बिहार के विश्वविद्यालय और कॉलेज अगले साल पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, पहले उप मुख्यमंत्री अनुग्रह नारायण और देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर खुले रहेंगे। गुरुवार को राजभवन ने विश्वविद्यालय और कॉलेजों के लिए वर्ष 2024 की छुट्टी का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें उक्त चारों महापुरुषों की जयंती पर छुट्टी नहीं दी गई है, जबकि वर्ष 2023 में इनकी जयंती पर छुट्टी घोषित थी। वहीं लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर भी छुट्टी अगले साल नहीं रहेगी। अब केन्या भी वीजा फ्री देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। टूरिस्ट बिना वीजा के ही केन्या घूम सकेंगे। साथ ही अफ्रीकी देशों में बिना वीजा के ही छुट्टियां मना सकेंगे। यह सब जनवरी 2024 से होगा। दरअसल अगले साल से केन्या ने वीजा के लिए आवेदन की आवश्यकता को खत्म कर दिया है। अब टूरिस्ट मसाई मारा में जंगल सफारी या फिर नाकुरु लेक में पक्षियों को देखने के लिए बिना वीजा के ही यहां जा सकेंगे। इस नए कदम से अफ्रीकी देशों में टूरिस्टों की यात्रा पहले से और ज्यादा आसान हो जाएगी। अगले माह बीटा एयरपोर्ट को टेंडर निकलेगा और फरवरी में इसका काम शुरू होगा। बीटा एयरपोर्ट के प्रस्ताव को बीते जुलाई माह में ही वित्तीय स्वीकृति मिल गई थी। अब इसे प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल गई है और टेंडर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगले माह पहले सप्ताह में इसका टेंडर निकल जाने की संभावना है। फरवरी के पहले सप्ताह में टेंडर खुलेगा और फरवरी मध्य तक इसके आवंटित हो जाने और फरवरी अंत तक निर्माण कार्य शुरू हो जाने की संभावना है। भारत की सिर्फ 5% आबादी के पास ही इंश्योरेंस है। अभी भी देश की 95% आबादी बीमा को महत्व नहीं दे रही है। यह हैरान कर देने वाला खुलासा नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी की रिपोर्ट के जरिए हुआ है। सरकार और बीमा नियामक इराडा की तमाम कोशिशों को बावजूद लोग बीमा कराने को उतना महत्व नहीं दे रहे। असफलता के चलते देश के 144 करोड़ लोगों की जान और संपत्ति को लगातार खतरा बना रहता है। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के चेयरमैन देवाशीष पांडा ने यह रिपोर्ट जारी करते हुए बीमा कंपनियों से और बेहतर कोशिश करने की अपील की है। भारत और अमेरिका के राजस्व अधिकारियों ने एक अहम बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने अवैध वित्त जोखिम कम करने के प्रयासों को गति देने के अलावा वर्चुअल संपत्तियों के लिए धन शोधन रोधी मानकों के वैश्विक क्रियान्वयन में तेजी लाने के तरीकों पर चर्चा की। साथ ही द्विपक्षीय और बहुविपक्षीय रूप से समन्वय और सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारतवंशी सांसद रो खन्ना ने रिपब्लिकन की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी हासिल करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे विवेक रामास्वामी की आलोचना करते हुए उन्हें अमेरिकी लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। उन्होंने रामास्वामी और रिपब्लिकन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह असली मुद्दों को लेकर कोई भी समाधान देने में असफल रहे हैं। 38 वर्षीय भारतवंशी रामास्वामी ने बुधवार को आयोवा में हुए टाउन हॉल कार्यक्रम में भाग लिया। उनसे इमिग्रेशन, सीमा सुरक्षा, उनके धर्म और आर्थिक असमानता के मुद्दों पर सवाल किए गए।
भारत को मालदीव से अपने सैन्य कर्मियों को वापस लेने के लिए कहने के बाद राष्ट्रपति मोहम्मद ने भारतीय नौसेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच जल विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए 2019 के समझौते को खत्म करने का फैसला किया है। माले ने गुरुवार को भारत को उस समझौते को रद्द करने के अपने फैसले के बारे में बताया, जिस पर जून 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। राजकुमार हिरानी निर्देशित और शाहरुख खान स्टार डंकी साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। इस फिल्म को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया था, जिसे काफी जबरदस्त रिस्पांस मिला और अब फैंस फिल्म की रिलीज का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। पिंक विला की रिपोर्ट के मुताबिक डंकी की टिकटों की प्री सेल शनिवार 16 दिसंबर से शुरू होने वाली है। हालांकि कुछ सेंटर्स शुक्रवार 15 दिसंबर से आंशिक बुकिंग शुरू कर सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी का जर्सी नंबर 7 अब किसी और भारतीय क्रिकेटर की पीठ पर नजर नहीं आने वाला है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सचिन तेंदुलकर के बाद धोनी की जर्सी नंबर रिटायर कर दी है। तेंदुलकर के संन्यास के कुछ समय बाद उनका जर्सी नंबर 10 रिटायर कर दिया गया था। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने 2007 टी20 वर्ल्ड कप, 2011 वर्ल्ड कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जीता था। धोनी इकलौते ऐसे कप्तान है जिनकी अगुवाई में टीम ने 3 ICC ट्रॉफी जीती है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रचने वाले भारत की नजर अब अपने अगले लक्ष्य पर है। सफल चंद्रयान 3 मिशन से उत्साहित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन प्रमुख एस सोमनाथ ने गुरुवार को कहा कि इसरो अब चंद्र सतह से नमूने लाने पर विचार कर रहा है। राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में एक व्याख्यान में सोमनाथ ने चंद्रमा से सैंपल वापस लाने के लिए सैंपल रिटर्न मिशन का विवरण साझा किया। जैसे जैसे विदेशों में भारतीय पेशेवरों की मांग बढ़ रही है, वैसे वैसे इसकी आड़ में धोखाधड़ी करने वाले गैंग भी सक्रिय होते जा रहे हैं। इस बारे में लगातार सूचना मिलने के बाद विदेश मंत्रालय ने गैर पंजीकृत और गैर कानूनी एजेंटों से बचने को लेकर नई चेतावनी जारी की है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रेणी के एजेंट लोगों से 2 से 5 लाख रुपए तक जा ले रहे हैं। मंत्रालय ने साफ किया है कि विदेशों में रोजगार के क्षेत्र में काम करने वाले एजेंटों को विदेश मंत्रालय से पंजीयन कराना अनिवार्य है, जबकि कई ऐसे एजेंट सक्रिय हैं जो अपना नाम पता भी लोगों को नहीं बताते और सोशल मीडिया के जरिए अपनी सेवा देने का प्रचार करते हैं। प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार के निर्णायक मंडल में भारतवंशी संगीतकार नितिन साहनी को शामिल किया गया है। साहनी को सलमान रुश्दी की 1981 बुकर पुरस्कार विजेता मिडनाइट्स चिल्ड्रन के स्क्रीन रूपांतरण सहित संगीत के लिए जाने जाते हैं। उन्हें 2024 बुकर पुरस्कार के निर्णायक मंडल में शामिल करने की घोषणा बुकर प्राइज फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी गैबी वुड ने की। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को 2023 में ब्रिटेन के सबसे लोकप्रिय एशियाई सेलिब्रिटी घोषित किया गया है। ब्रिटेन की साप्ताहिक पत्रिका ईस्टर्न आई की तरफ से प्रकाशित वार्षिक सूची में शाहरुख खान शीर्ष पर रहे। भारत आने वाले समय में दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन जाएगा, यह बात भारत अमेरिका रणनीतिक सहयोग फोरम के अध्यक्ष जॉन चैम्बर्स ने कही। उन्होंने कहा साल 2024 में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर आगे बढ़ता जाएगा। जॉन के मुताबिक इस समय भारत अपने इतिहास में महत्वपूर्ण क्षणों में है। वह इस क्षण को अपने कब्जे में करेगा, प्रगति पर आगे बढ़ेगा और आने वाले वर्षों के बाद अवसर भी पैदा करेगा। 2023 भारत अमेरिकी साझेदारी के लिए अहम वर्ष रहा। 2024 में भारत अमेरिकी दुनिया के सबसे अहम रणनीतिक साझेदार बनने जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा कि अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन जनवरी के अंत में भारत का दौरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा है कि बाइडेन भारत के साथ संबंधों को गहरा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रतिबद्ध हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक करीबी व्यक्तिगत बॉन्ड साझा करते हैं। बाइडेन की विदेश नीति में उनके सबसे करीबी सहयोगी सुलिवन से जब बाइडेन के दिल्ली न जाने की रिपोर्टों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शेड्यूल की मांगों के कारण हमने भारतीय अधिकारियों को सूचित किया है कि राष्ट्रपति जनवरी के अंत में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए भारत की यात्रा करने में असमर्थ होंगे। रूस और यूक्रेन में जंग के बीच रूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हुए हैं। ऐसे समय में रूस ने भारत को सस्ते दामों पर तेल बेचा है। सस्ता तेल बेच रहे रूस ने अब अपने दोस्त भारत को एक और बड़ा ऑफर दिया है। यह प्रस्ताव भारतीय कंपनियों के लिए बड़ा मौका हो सकता है। रूस ने भारतीय कंपनियों को रूसी कंपनियों द्वारा छोड़े गए कारोबार को टेकओवर करने का ऑफर दिया है। जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाके से होकर बिहार तक पहुंच रही पछुआ हवा की वजह से सुबह शाम और रात में सर्द मौसम का असर दिखने लगा है, लेकिन दिन में धूप खिलने की वजह से अभी कड़ाके की ठंड से राहत है। हालांकि अगले कुछ दिनों तक तापमान में मामूली गिरावट का पूर्वानुमान है। दरअसल बिहार के अंदर मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। सुबह में हल्का से मध्यम कोहरा छाने, मौसम शुष्क रहने और धूप खिलने की संभावना है। ऐसे में लोगों को सुबह में ठंड महसूस हो सकती है। स्मॉल कैप कंपनी एक्सटेंट माइक्रोसेल के शेयरों ने बाजार में उतरते ही धमाल मचा दिया है। कंपनी के शेयर 114.29% के प्रीमियम के साथ 300 रुपए पर लिस्ट हुए हैं। आईपीओ में एक्सटेंट माइक्रोसेल के शेयर 140 रुपए में मिले थे। लिस्टिंग के ठीक बाद एक्सटेंट माइक्रोसेल के शेयर 5% की तेजी के साथ 315 रुपए पर पहुंच गए हैं। एक्सटेंट माइक्रोसेल के आईपीओ का प्राइस बैंड 133 से 140 रुपए था। कंपनी के शेयर NSE SME एक्सचेंज में लिस्ट हुए हैं।
केंद्र सरकार ने देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रखी हैं। सबसे ज्यादा ध्यान सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को आगे बढ़ाने पर है। इसके चलते सन 2000 में क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट का गठन किया गया था। इसकी मदद से अब तक करीब 80 लाख छोटे कारोबारियों को लगभग 5.33 लाख करोड़ रुपए का फायदा पहुंच चुका है। इसकी मदद से देश में न सिर्फ रोजगार पैदा हुए हैं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा मिला है। साथ ही सरकार ने नए आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए करीब 43 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। भारत के पासपोर्ट की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है जो कि भारतीयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब भारतीय सिर्फ अपने पासपोर्ट से ही एक और देश में घूम सकते हैं। इसके लिए उन्हें वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ईरान की सरकार ने भारत को यह तोहफा दिया है। ईरान का मकसद अपने देश में पर्यटन को बढ़ावा देना है और दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करना है। ईरान ने भारत समेत 33 देशों के लिए वीजा की आवश्यकता को खत्म कर दिया है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने असिस्टेंट के पदों को भरने के लिए वैकेंसी निकाली है। इसके लिए कैंडिडेट्स की क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगी गई है। इसका मतलब यह है कि वह किसी भी स्ट्रीम से यूजी की डिग्री हासिल करने वाले उम्मीदवार इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 जनवरी 2024 है। आवेदन करने की प्रक्रिया कल यानी कि 16 दिसंबर 2023 से शुरू हो रही है। अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट https://uiic.co.in पर जाकर अप्लाई करना होगा। भारतीय वायुसेना देश की हवाई सुरक्षा को और मजबूत करने और सीमा पार से होने वाली किसी भी हिमाकत का जवाब चंद मिनटों में देने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। भारतीय वायुसेना रणनीतिक रूप से अहम पाकिस्तान सीमा के पास स्थित राजस्थान के बीकानेर में नाल एयरबेस पर स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A लड़ाकू जेट के अपने पहले स्क्वाड्रन को तैनात करने के लिए तैयारी कर रही है। तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमानों की पाक सीमा के पास तैनाती अगले साल अप्रैल मई तक हो जाएगी। मेटा के स्वामित्व वाला इंस्टाग्राम इन दिनों लोगों के बीच तेजी से पॉपुलर हो रहा है। कंपनी प्लेटफॉर्म पर बैक टू बैक नए अपडेट और फीचर्स पेश कर रही है। हाल ही में न्यू अपग्रेड इसके नोट्स फीचर में आए हैं जो यूजर्स को अपने नोट्स में वीडियो ऐड करने की सुविधा देता है। पहले नोट्स टेक्स्ट बेस्ड अपडेट तक ही सीमित थे। हालांकि अब यूजर्स टेक्स्ट कैप्शन के साथ शॉर्ट वीडियो क्लिप भी पोस्ट कर सकते हैं। अमेरिका ने अलगाववादी नेता और खालिस्तानी आतंकवादी गुरु पतवंत सिंह पन्नू की हत्या के लिए एक सरकारी अधिकारी के साथ साजिश रचने के लिए निखिल गुप्ता को आरोपी बनाया है। उन्होंने अपने परिवार के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में उन्होंने भारत सरकार से अमेरिका की तरह प्रत्यर्पण कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की मांग की है। आपको बता दें कि निखिल गुप्ता एक भारतीय नागरिक है। वह वर्तमान में चेक गणराज्य के प्राग में सलाखों के पीछे हैं। अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल भारतीय अमेरिकी वनिता गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगले साल वह फरवरी में पद से हट जाएंगी। वह न्याय मंत्रालय में तीसरी रैंकिंग का सर्वोच्च पद पाने वाली पहली अश्वेत महिला हैं। न्याय विभाग के अनुसार साल 2021 में वनिता को एसोसिएट अटॉर्नी जनरल चुना गया था। वह अगले साल वह पद से हट जाएंगी। हमारे तरफ पूछे सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे तरफ पूछे सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है खुशी शर्मा, नन्नू गोलू कुमार, नौशद राजा, मोहम्मद सकील हुसैन, रविशंकर, अनवर करीम खान, बाबूलाल मरांडी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपने भारत में कहां कहां भ्रमण किया है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।